नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड को देखने समझने और उसको एक अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझ पाएंगे, आज का ये वर्ड हमारा क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी? अगर हम इसके वर्ड को शाब्दिक अर्थों के हिसाब से अलग अलग करें तो हमारे पास मिल करके आते हैं क्रोमेटो यानी कि क्रोम यानी कि कलर, और ग्राफी मतलब उसको स्टडी करने का, रिफ्लेक्ट करने का तरीका। यानी कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है हमारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के पार्ट ऑफ व्यू से, खास करके आपकी या डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइड फार्मेसी ब्रांच, जिसमें हम दिए गए मिक्सचर में किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि दिए गए मिक्सचर में आपके कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। ये कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। चूंकि अब इसमें क्रोम वर्ड लगा हुआ है यानी कि कलर लगा हुआ है, तो उनको उनके कलर के अकॉर्डिंगली अगर हम सेपरेट करते हैं ताकि विजुअलाइजेशन कर सके तो ये क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको 10 अलग अलग तरह के कलर के बॉल, प्लास्टिक के बॉल्स देता हूं मिक्स करके, और आपसे मैं कहता हूं कि इन सबको आप सेपरेट करिए, तो अगर आप उनको उनके कलर के अकॉर्डिंगली सेपरेट करते हैं तो सिंपली आप इस क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल को जाने अनजाने में फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनको सेपरेट तो किया बट अकॉर्डिंग टू कलर, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर मैटर और स्टेट और साइज और व्हाटएवर दीज आर डिफरेंसेस, बट आपने इनको सेपरेट किया उनके कलर के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा क्रोमेटोग्राफी। अगर आप क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर और प्रैक्टिकल और प्लेट बनाने के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी में विजिट कर सकते हैं, आपको पूरा प्रैक्टिकल का डेमोस्ट्रेशन आराम से मिल जाएगा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।